हेलो फ्रेंड्स, जैन फ्रेंड, आज इस क्लास में हम देखने वाले जयशंकर प्रसाद का रचना याद करने का ट्रिक। एकदम धांसू ट्रिक है, ऐसा ट्रिक आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला। ये ट्रिक इतना आसान है कि आप घूमते फिरते भी याद कर लेंगे, ठीक है। जैसे एक ट्रिक को समझना बहुत आसान है, अगर आप गलती से इस वीडियो पर क्लिक कर दे तो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि 1 से 2 मिनट का वीडियो है, ठीक है। देखिए, ट्रिक को समझने के लिए आपको कहानी समझना पड़ेगा। 30 सेकंड का कहानी है, कहानी समझ गए तो ये पूरा खेला खत्म हो जाएगा। खेला खत्म का मतलब पूरा याद हो जाएगा। देखिए, कहानी है, एक राजा है, जिसके 3 राजा हैं सब, चंद्रगुप्त मौर्य, स्कंदगुप्त और अजातशत्रु। ये 3 राजा हैं सब। इनका राज्य इतना विशाल है कि यहाँ की जनता काम नहीं कर रही है। एक कहानी एक बार और समझिए, ठीक है। तो ये रो रहे हैं सब, राजा क्या कर रहे हैं सब, रो रहे हैं सब, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य है, एक स्कंदगुप्त है, एक अजातशत्रु है, एक ध्रुवस्वामी, ये 4 राजा हैं सब। इनके जो दरबार में जो जनता है वो काम नहीं कर रही है, तो ये रो रहे हैं सब। देखिए कैसे, राज्य विशाल, जन का काम न कर, अब आंसू झलका चंद्रगुप्त मौर्य, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु और ध्रुवस्वामी का, ठीक है। देखिए ट्रिक बहुत आसान है। एक राज, इनका जो राजा होंगे तो राज्य विशाल होगा, तो राज्य विशाल, जन मतलब लोग का काम न कर, अब आंसू झलका चंद्रगुप्त मौर्य, स्कंदगुप्त का और अजातशत्रु का और ध्रुवस्वामी का। ट्रिक बहुत आसान है, 10 बार बोलेंगे फटाक से याद हो जाएगा। बात मानिए, मेरे साथ 10 बार बोलिए, याद हो जाएगा। राज्य विशाल, जन का काम न कर, अब आंसू झलका चंद्रगुप्त मौर्य, स्कंदगुप्त का और अजातशत्रु का और ध्रुवस्वामी का। आप इसको 10 बार बोलेंगे, फटाक से याद हो जाएगा। किसी को, छोटा बच्चा होगा आपके घर में, उसको बता दीजिएगा, याद हो जाएगा। मेरे बात मानिए, कोई भी किसी को बता दीजिएगा ट्रिक, याद हो जाएगा आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पर ट्रिक को समझिए बढ़िया से, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अब देखिए राज, यहाँ पर इसको हम स्पष्ट लिखे हैं, राज्य विशाल, जन का काम न कर, ठीक है, अब आंसू झलका चंद्रगुप्त मौर्य, स्कंदगुप्त और ध्रुवस्वामी का। देखिए यहाँ पर देखिए, राज का मतलब हो गया राजश्री। यहाँ पर देखिएगा राजश्री, ठीक है, राजश्री किसका मतलब हुआ, राज का मतलब राजश्री हुआ, और विशाल का मतलब हो गया है विशाख, ठीक है। विशाख किसने लिखा है, देखिए राजश्री भी जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, विशाख भी जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। और जन मतलब जनमेजय का नागजय, जनमेजय का नागजय, नागजय, ठीक है। ये किसने लिखा है, जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है, ठीक है। जैसे हम लिखे हैं वैसे आपको लिखना पड़ेगा। का मतलब छोड़िए, का मतलब होगा कमायनी, कामायनी किसने लिखा है, जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। और कामना भी, का से कामना भी हो जाएगा, कामना, कामना किसने लिखा है, जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। देखिए कामायनी और कामना भी जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, और राजश्री भी जयशंकर प्रसाद, विशाख भी जयशंकर प्रसाद, जनमेजय का नागजय भी जयशंकर प्रसाद। ये का अर्थ लिखा हटा दीजिए, न का भी और कर का भी। अब देखिए अब का मतलब इसका भी हटा दीजिए, इसका 3 अर्थ हटा दीजिए। आंसू का मतलब हो गया आंसू, ठीक है, ठीक है, इसका मतलब आंसू। झलका मतलब झरना, ठीक है, इसका अर्थ निकाल रहे हैं हम। और चंद्रगुप्त मतलब चंद्रगुप्त मौर्य, स्कंदगुप्त भी, अजातशत्रु भी और ध्रुवस्वामी, ये सेम हो जाएगा, ठीक है। तो इतना ही बस आपको समझना है कि राज्य विशाल, जन का काम न कर, अब आंसू झलका चंद्रगुप्त मौर्य, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु का। यही ट्रिक है, 1 से 2 मिनट का, देखिए 3 मिनट का वीडियो इसी भी कम हुआ, ठीक है। तो इस ट्रिक, इतना ही बस ट्रिक है, और ये ट्रिक से ही आपको इतना ही लिखना है। चंद्रगुप्त मौर्य भी कौन लिखा है, जयशंकर प्रसाद, स्कंदगुप्त भी, अजातशत्रु भी और ध्रुवस्वामी, ये सेम हो जाएगा, ठीक है। तो आप इतना समझ में आ गया ना, तो वीडियो को लाइक फटाक से कर दीजिए, क्योंकि चैनल पर आप नए हैं तभी करिएगा लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।